हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। इस वीडियो में हम देखेंगे 810 किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल टूल, उसको हम यहाँ से पूरा सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ तक का। कंट्रोल के साथ हम जे प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारी लेयर बनकर रेडी हो गई है। यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम इसमें किसी भी कलर का स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। चलिए हम ब्लैक कलर का स्ट्रोक इसमें लगा लेते हैं। कंट्रोल टी करेंगे और इसको यहाँ से सेट कर देते हैं। अब हम अपनी फ़ोटो को लेकर आएंगे जो भी हमें लगानी है इसमें। इस वाली फ़ोटो को पूरा हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, पूरा फोटो इसमें नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमने फ्रेम को कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया है। तो चलिए हम कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फ़ोटो पूरा आना चाहिए। दोबारा से हम इस फोटो को इसमें पेस्ट कर दिया है हमने। अब हम इसको सेट करेंगे। अब हम अपनी फ्रंट देखिए सेकंड वाली पिक को भी इसमें सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से देखिए इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसकी एक और लेयर बना लेते हैं। इस वाली लेयर को हम थोड़ा सा इसकी ऑपेसिटी कम करेंगे, इतनी काफ़ी है। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। इस वाली लेयर को भी हम सेट करेंगे फ्रेंड देखिए। इसमें भी हम स्ट्रोक लगाएंगे ब्लैक कलर का। यहां से हम फ्रंट देखिए हमने एम टूल सेलेक्ट करा है, यानी कि इस वाले टूल को हमने सेलेक्ट किया है। यहां से इसमें हम थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरह से और डिलीट प्रेस कर देंगे। ये हमारी एक नई डिज़ाइन बन गई है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सो फ्रेंड देखिए, ये हमारा 810 बनकर रेडी हो गया है। इसमें फ्रेंड एक चीज़ और, जैसे हमने इसमें इसकी ऑपेसिटी कम करी है, कंट्रोल के साथ हम सॉरी शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो ये हमारा वाइट हो जाएगा। हम इस तरह से भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे इसमें ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे आप जो भी चाहें इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड देखिए, ये हमारा 810 बनकर रेडी हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।